सदियों की ठंडी बुझी रात सुख भुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी रात सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन के लाती है, दो रात समय के रथ पर घर घर नाच लो, सिंहासन खाली करो की जनता। जगत जननी माता सीता की धरती सीतामढ़ी जिला। आज सीतामढ़ी जिला ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति की ओर अग्रसर है। जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन प्रेरणा स्रोत के रूप में सीतामढ़ी जिला के लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज सीतामढ़ी जिला के 4 पंचायत मरपा, सिरौली प्रथम, हरिहरपुर एवं नानपुर दक्षिणी के लोगों ने खुले में शौच मुक्त पंचायत होने का ऐतिहासिक काम किया है। पंचायत के लोगों को जागरूक करने के लिए PHED विभाग और पंचायत के लोगों द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के क्रम में जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन के द्वारा सफाई अभियान भी चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छता योजना के तहत कबड्डी खेल के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कृषि विभाग द्वारा जागरूकता के क्रम में मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक बनाया जा रहा था। PHED सीतामढ़ी द्वारा पंचायत के लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम का उपयोग किया गया। पंचायत के लोगों के द्वारा लोगों में उत्साह वर्धन के लिए शौचालय से संबंधित गानों का निर्माण कराकर गाजे बाजे के साथ जागरूकता के क्रम में रैली निकाली गई। घर घर शौचालय बनवाना है, सबने लिया संकल्प है। श्रव्य दृश्य के माध्यम से लोगों में हाथों की सफाई, सोखता के फायदे, खुले में शौच न करने के फायदे एवं विभिन्न प्रकार के दृश्यों को दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण समय समय पर किया जाता रहा। जिले के मुखिया जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन के सुझाव और पंचायतों के मुखिया के द्वारा पंचायतों में विभिन्न निगरानी टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा सुबह शाम गांव की सफाई और निरीक्षण भी किया जाता रहा। सीतामढ़ी में पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा राजमिस्त्री को ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक बनाने के लिए 5 दिवसीय ट्रेनिंग दिलवाई गई। PHED सीतामढ़ी के कार्यपालक अभियंता श्री KD दिसवा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री प्रदीप कुमार और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स का बहुत ही अहम योगदान रहा है। लोगों को हमने जब शौचालय का निर्माण लोग कर लिए तो टाइम पर हम लोगों ने उनका भुगतान उनके बैंक खाते के जरिए उनके खाते में दिया, जिससे कि विभाग पर लोगों का विश्वास भी बढ़ा और 1 से 7 महीना में उन लोगों ने अपने पंचायत को खुले में शौच से मुक्त किया। एक तरह से कहिए तो हम लोग उनको सारे चीज फैसिलिटेट किए और समाज स्वयं उस काम को कर लिया, और यही कारण है कि चारों पंचायत जो है विद इन 1 मंथ ODF हो गया, क्योंकि समाज ने परिवर्तन करने के लिए ठान लिया और उसने करके दिखा दिया। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन के द्वारा पंचायतों की निगरानी टीमों एवं महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने खुले में शौच से मुक्त होने में अपना योगदान दिया, उन्हें प्रशस्ति पत्र और एक पौधा स्वच्छ पर्यावरण के सूचक के रूप में देकर सम्मानित किया। जो हमने कहा कि गूह खाने से क्या हानि होती है, गूह कैसे खाते हैं, हम इसको जो समझाने का काम किए थे, उन लोगों को दिमाग में बहुत बड़ा घृणा पैदा हुआ और जिस घृणा का फल हुआ कि हम लोग ODF होने में बहुत निरंतर आगे बढ़ते गए। इसलिए बीमारी से बचने के लिए आप तमाम लोग क्या करते हैं और सरकार भी चाहती है
खुले शौचालय मुक्त कराएंगे। आज मुझे खुशी है, गौरव है कि हरिहरपुर पंचायत निर्मल पंचायत के ओर बढ़ रहा और आज ओडीएफ घोषित हो रहा। एक्शन कमेटी के लोगों द्वारा पंचायत के गांवों में घर घर जाकर लोगों को सोखता, कचरा प्रबंधन, हाथों की सफाई करना, जैविक खाद बनाने एवं बायोगैस के लाभ के बारे में प्रयोग करके बताया गया। जिला कृषि पदाधिकारी श्री प्रवीण कुमार झा द्वारा पंचायत के लोगों को जैविक खाद के फायदे और बायोगैस के उपयोग से संबंधित लाभ को बताकर इच्छुक लोगों में जैविक खाद और बायोगैस प्लांट वितरित किया गया। ओडीएफ पंचायत बनाने के क्रम में बाहर से आए हुए लोगों से सिरौली प्रथम पंचायत द्वारा साफ सफाई को लेकर 2 रुपया स्वच्छता कर लिया गया। वहीं नानपुर दक्षिणी के लोगों द्वारा खुले में शौच करते लोगों से 250 रुपये जुर्माना वसूला गया। एक माह के अथक परिश्रम के उपरांत सीतामढ़ी जिले के 4 पंचायतों के द्वारा एक इतिहास रचा गया, जहां ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा मुखिया के द्वारा पंचायत के लोगों एवं जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन की उपस्थिति में की गई और जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन, सभी मुखिया, पंचायत के लोग एवं सभी आला अफसरों ने ये शपथ लिया कि भविष्य में ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री के तहत अपने गांव एवं जिलों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखेंगे। सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे, अपने घर, आंगन, गांव को स्वच्छ रखेंगे। इस कार्यक्रम में यानी ओडीएफ के अवसर पर सांसद श्री राम कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर लोगों को संबोधित किया। सामाजिक क्रांति के रूप में इस योजना को लोगों ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, अद्भुत किया। अब बात करें जो परिकल्पना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि सुंदर हमारा देश हो, स्वच्छ हमारा देश हो और स्वस्थ हमारा देश हो, उसको नानपुर के लोगों ने सही सही ढंग से उतारने का काम किया और एक एक घर में शौचालय का निर्माण करने का काम किया। ओडीएफ की घोषणा के दिन सभी पंचायतों के सभी गांवों में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण किया गया। सीतामढ़ी जिले में ओडीएफ के अवसर पर महिलाओं में अपार हर्ष और उत्साह देखा जा रहा था, जो महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम दृश्य प्रदान कर रहा था। महिलाएं लोग जितना भी थी, हम लोग भी थे, तो वो लोग जाती थी बाहर शौच करने के लिए, लेकिन अभी इतना फायदा हम लोग को मिला है कि घर में हर चीज का सुविधा मिला है। घर में इज्जत भी मेरा घर में है, बाहर नहीं निकलते हैं। सीतामढ़ी की 4 पंचायतों को ओडीएफ खुले में शौच मुक्त बनाने में यूनिसेफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें यूनिसेफ के योगदान की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ ने पूरे राज्य स्तर पे जो समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता विधि है, इस विधि पे फील्ड मोटिवेटर्स को ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई थी और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो मोटिवेटर्स तैयार हुए हैं, उन्होंने जगह जगह जाके इस आंदोलन को समुदाय के बीच चलाया और समुदाय को प्रेरित करके ये लक्ष्य हासिल किया गया है। इस ODF घोषित होने में सबसे ख़ास बात ये है, इसमें सिर्फ 1 महीने का समय लिया गया। कठिनाइयाँ आई परंतु समाधान भी गांव वालों ने ही अपने बीच में से निकाला और इस अभियान में उनके अंदर जो परिवर्तन हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज सीतामढ़ी जिले के 4 ग्राम पंचायत मरपा, नानपुर, सिरौली प्रथम और हरिहरपुर ने सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन एवं सामाजिक प्रयासों से अपने आप को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करने का कार्य किया है। इन ग्राम पंचायत के द्वारा खुले में शौच मुक्त के साथ साथ सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के विविध आयाम एवं जैविक खेती के आयाम तथा अपने ग्राम पंचायत को ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इन ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के लिए सोखता का निर्माण का कार्य किया गया, पशु मल के निपटारे के लिए एवं उसके जैविक खेती के रूप में उपयोग के लिए बर्मी कंपोस्ट के पिट बनाए गए हैं।
जय हिंद, जय भारत।